इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम एंड टी टाइम। तेरे आपकी ये दीदी मेरा चाय का भगोना, इसी में बना लूंगी और ब्रेड सेकूंगी। चाय के बर्तन में अपने आप मार दूंगी, बस दो ढाई बजे छुट्टी। हाँ दो ढाई बजे छुट्टी। अरे व्हाइट ब्रेड अच्छी नहीं लगती मेरे को, ब्राउन ब्रेड अच्छी लगती है। कई महीने हो गए ना, कई साल हो गए मैं ब्राउन ब्रेड खाते हुए। अब ये तो मैदा लगता है मेरे को, होता तो वो भी मैदा ही है, बट दिल की तसल्ली को गाली भी ख्याल अच्छा है वाला। नहीं वो उसकी होती है, वो गेहूं की। अच्छा लिखा तो उसमें वीट होता है, इसलिए तो ब्राउन। तो वीट की नहीं होती वो, उसमें गेहूं नहीं बनी रहती है। हाय हाय मैं तो सोची वीट की है आज तक। गेहूं की होती है, वीट की थोड़ी। तो गधू वीट इंग्लिश में गेहूं को ही बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश तो देखो पढ़ी नहीं है। हिंदी पढ़ी हूँ मैं ना, बहुत लोगों को पढ़ाती थी पहले जब मैं स्कूल से आती थी, तो तब वो अनपढ़ अभियान चलता था ना, तो स्कूल से ना बुक्स मिलती थी कि अनपढ़ लोगों को पढ़ाओ। तो हमारी एक आसमा भाभी थी, आसमा भाभी, हाँ हाँ, तो हमारी एक आसमा भाभी थी, मैं उनको पढ़ाती थी, बुक्स वगैरह ला के दी थी। बड़ा शौक था उनको, थोड़े थे बस, उन्होंने इतना पढ़ा कि उनको अपना नाम ही लिखना आया। बस बोली मुझे इतना ही पढ़ाते बेटा, सेन क्या होता है, सेन आसमा लिखती थी, बस हो गया, पढ़ाई हो गई खत्म। मेरी तो कह रही सेन करना हो गया बस, आजकल उस जमाने में ही चलता था, सेन करना आ जाए बस। सेन करना आता है आप लोग को, साइन मत करना, सेन करना, साइन करना। हाँ चल करना भाई, ऐसे लोग ना झगड़ा करवा देंगे घर में। मुझे कहाँ दिया, हाँ सही अपना सही किया, अपना फोन छूने भी नहीं। और इसको मैंने दिलाया था पिछले साल, दिलाया था फोन है? दो साल पहले मैंने इसको दिलाया था किस्तों पे फोन। तनखा नहीं देती थी इसकी, तनखा में से मैं काट लेती थी, है अपने पैसे से दिलवाया था हमने इसको। और जैसे किस्त पूरी हुई फोन का सत्यानाश सारा नहीं, स्वाहा कर दिया। फोन भी नहीं लिया, लेनोवो वाला भी नहीं लिया जो रखा है। कौन सा कौन सा? लेनोवो वाला जो उन्होंने लिया था 10,000 का। लेनोवो एक नई कंपनी आई है, लिनोवो की बहन है लेनोवो। चलो भैया लेनोवो कंपनी न्यू आई है, सर्च करें, बहुत अच्छा फोन है। गाइस कैमरा बंद हो चुका था तभी मुझे अचानक से एक न्यू कंपनी का नाम पता चला जिसका नाम है सेम सेम। तो अगर आपने रेडमी फाइव भी होता है, रेडमी फाइव और सेम सेम और कुछ। सच में बता क्या नाम था, सर्च करूंगी। कौन सा नाम बोल रही है, कौन सा अभी सैमसंग कौन सा बोल रही है? सैमसंग। अरे आप भूल गए, पता वो भी ठीक है। एक सैमसंग और दूसरा कौन सी बोल रही है? रेडमी फाइव। और बता एम आई और बता वीओ का कौन सा फोन। हाँ वीओ का भी है, देखो वीओ का भी फोन होता है। सब आते हैं ना भाई, नाम तो मिलते जुलते सब पता है मैडम को, ब्रांड नेम क्या होता है, वीओ। वीओ फोन भी है, ये जो है वीवो भैया उनकी बहन है वीवो, वीओ। अच्छा अब चाय और कोई से नहीं यार, ऐसा है। और बता दे, और कोई टीवी के बता दे ब्रांड, ले प्रसाद का वो प्रसाद है ना, कड़ा प्रसाद, ऐसे कर हाथ गीले है ना। नहीं है ना, छोड़ो ना, हाथ में खा लिए। चल अंदर से तो क्या, गुरुद्वारे नहीं गए थे आज हम इसको लेके। अरे देखो कौन आया है, मम्मा आई है। मैं बाइक दिखा दीजिए, मेरा बाइक दिखा दीजिए। अभी पार्थू के मम्मी क्या गिफ्ट लाई, नानी क्या गिफ्ट लाई, बताओ मामा बताइए। बाइक। और पार्थू ने बोला डैडी आपको आज के बाद से स्कूल छोड़ने जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब मैं अपने आप जाऊंगा, मैं बिग बॉय हो गया। मेरे को ले जा दोगे मार्केट जब डैडी मुंबई चले जाएंगे, सामान सब्जी वब्जी ले आओगे जाके? ले आऊंगा सेवा। इसलिए तो याद करती हूँ मैं जब मुंबई चले जाते हैं, और क्यों याद करती हूँ, इसीलिए तो याद करती हूँ मैं। पकी पकाई चाय, पकी पकाए पराठे, वो देखो सेवा, सेवा पार्ट टू। तो मम्मी आई है और मम्मी लाई है पातू के लिए बाइक, जिसे आप जल्दी देखेंगे, है ना।
अभी पार्थो की बाइक चार्ज हो रही है, हा? तो हम पिलाते हैं मम्मी को चाय पानी। भाग्य मानी छामा गुड़ो हाय प्रिंसेस, आप वही वाला पेन की आई है मेरी प्रिंसेस, ये आप रोज पेन के खा करो। अरे दो चलो रे, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हैं? कहाँ जा रहे हो सर? अपने ऑफिस जा रहा हूँ। माय गॉड, ये ऑफिस की ड्रेस है? ओहो चश्मे पहन के थोड़ी जाते हैं ऑफिस। ये तो वो लग रहा है, वो बॉडीगार्ड नहीं होते। सो होप आप सबको पार्थो की बर्थडे व्लॉगिंग मिल गई होगी। एंड आज एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि प्लीज कोई भी हैप्पी बर्थडे पार्थ कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 3 से 4 बार उसे विश कर चुके हैं। एंड इट वाज माय फॉल्ट कि मुझे पहले ही ये वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट किसी कारण मैं नहीं कर पाई। और मैं बहुत सोच रही थी कि इसका बर्थडे ब्लॉग शेयर करूँ ना करूँ, फिर जब आप लोग के कमेंट आए कि प्लीज़ इसका बर्थडे ब्लॉग तो हमारे संग शेयर कीजिए सीमा, तो मुझे आखिरकार करना ही पड़ा। हालांकि शूट करके रख दिया था मैंने, एंड साइड में आप देख पा रहे हैं आप सबका प्यार भरा आशीर्वाद जो भी आप लोगों ने पार्ट को दिया था वो सब मैंने संभाल के रखा है। एंड बिलीव मी गाइस, इससे पहले पार्ट को इतनी सारी दुआएं एक साथ नहीं मिली, तो ये बर्थडे बहुत स्पेशल है मेरे लिए उसका। एंड जितने भी लोगों ने पार्थ को आशीर्वाद दिया था कमेंट के रूप में,
तो मैं इन सब को संभाल के रखने वाली हूँ। इन सब के स्नैपशॉट्स मैंने ले लिए हैं एंड इसे बोर्ड में चिपका के प्रिंट आउट निकलवा के मैं एक फ्रेम करने वाली हूँ। ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा। पार्थ जब भी देखेगा और फील करेगा इस बात को कि वो कितना ब्लेस्ड है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की। धन्यवाद करती हूँ उसे तहे दिल से कि उसने मुझे पार्थ जैसा बेटा दिया। एंड पार्थ, जब तुम बड़े हो जाओगे, इस वीडियो को देखोगे, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी सारी मासियाँ, आंटी, नानियाँ हैं जो तुम्हें इतना प्यार देते हैं और तुमने उन्हें नहीं देखा, बट वो रोज़ तुम्हें देख रहे हैं और तुम उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हो। तो मैं कहना चाहूँगी मेरे बेटे कि जब तुम बड़े हो जाओ तो कभी मत भूलना कि ये लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और सबके दिलों पर हमेशा ऐसे ही राज करना, एक अच्छा इंसान बनना बेटा बड़े होके। ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। एंड आई नो कि बस जब तुम जल्दी ही बड़े हो जाओगे तो मैं खुद से तुम्हें ये वीडियोस दिखाऊंगी एंड तुम बहुत प्राउड फील करोगे मेरी तरह कि इतने लोग हमारे जीवन का हिस्सा है। एंड थैंक यू सो मच आप सबको भी कि जितनी दुआएं आपने दी हैं ये सब साइड में आपको दिख रही हैं। आप एक एक सदस्य मेरे परिवार का मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं कहना चाहूँगी आप सबसे, आई लव यू ऑल। मैं जैसी भी हूँ, मेरा घर जैसा भी है, मेरा परिवार जैसा भी है, आप सब ने हमें एक्सेप्ट किया है और आप इतना प्यार देते हैं हमें कि शब्द नहीं होते मेरे पास किस तरह आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँ। लव यू ऑल, लव यू सो मच। एंड अब आने वाले टाइम में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। अब मैं बिल्कुल भी, मतलब एक दूसरा थॉट मेरे अंदर नहीं आएगा कि वीडियोस अपलोड करूँ ना करूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसे लेके मैं थोड़ा हिचक सी जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि सीमा कितनी खड़ूस है। यहाँ तक कि शालू ने भी मुझे डांटा कि आपने नए कपड़े तक नहीं पहनाए उसको जन्मदिन में दीदी, और मैं इतने प्यार से लाई थी तो उसने आते ही सबसे पहले इसके कपड़े बदले थे। एंड आप देख पा रहे होंगे फोटोज़ में कि पार्थ को कितने हाथों ने पाला है। बहुत, अभी मैं आपको 1% भी नहीं दिखा पाई हूँ, और जाने कितने लोग हैं मैं फ़ोटोज़ नहीं ढूंढ पाई, बहुत लंबी लिस्ट है फ़ोटोज़ की। तो जितने लोगों को दिखा पा रही हूँ मैं दिखा पा रही हूँ कि देखिए पार्थ कितने हाथों में पला बड़ा है। ये सच में एक ब्लेस्ड बेबी है मेरा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई लव यू।